हेलो गाइस, मेरा नाम है साजिद सैफी और मेरे चैनल माय ट्रू सपोर्ट में मैं आपका तहे दिल से वेलकम करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको रियलमी 2 की कुछ ऐसी ट्रिक्स बताने वाले हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हैं और जिसका इस्तेमाल करके आप अपने फ़ोन को और भी ज़्यादा यूजेबल बना सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, आप वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हमारे रियलमी 2 के अंदर आज की वीडियो में हम जिस ट्रिक्स के बारे में बात करने वाले हैं वो कौन सी हैं। दोस्तों, ये काफ़ी ज़्यादा कमाल के फीचर्स होने वाले हैं, तो चलिए आप दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए आपको करना क्या होगा, अपने फ़ोन की सेटिंग्स में आना होगा और सेटिंग्स में आने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और स्क्रॉल करने के बाद यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्मार्ट एंड कन्वीनियंट का, आपको इस पर क्लिक करना है। और जैसे दोस्तों आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके सामने एक और ऑप्शन मिलता है गेस्चर एंड मोशन का, आपको इसे सेलेक्ट करना है। जैसे दोस्तों आप इसे सेलेक्ट करते हैं तो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ सबसे पहली ट्रिक्स की अगर हम बात करें तो वो स्मार्ट कॉल का है। दोस्तों, ये स्क्रीन ऑफ गेस्चर्स के बारे में एक वीडियो मैं ऑलरेडी पहले ही बना चुका हूं, इसमें भी बहुत ज्यादा आपको ट्रिक्स देखने को मिलती हैं जिससे आप अपने फोन को और भी अच्छे से यूज कर सकते हैं। बट चलिए फिलहाल दोस्तों हम यहां बात कर लेते हैं बाकी अदर ट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहली ट्रिक्स की अगर हम बात करें तो वो है स्मार्ट कॉल का। तो दोस्तों, बात कर लेते हैं यहां पहली ट्रिक्स की। तो पहली ट्रिक्स यहां आप गौर से देखें, यहां आपको स्मार्ट कॉल का एक ऑप्शन मिल जाता है तो आपको इसे चूज करना है। जैसे दोस्तों आप इसे चूज करते हैं तो यहां आपको चार ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें पहले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑटो कॉल व्हेन प्लेस एट द नियर। दोस्तों, अगर आप इस ऑप्शन को यहां से इनेबल कर देते हैं तो आपके फोन की स्क्रीन पे, यानी कि आपकी स्क्रीन पे जो मैं नंबर शो होगा, चलिए मैं आपको एक बार दिखा देता हूं किस तरह से। सपोज करिए आपको यहां से किसी को फोन करना है, फोन करने के बाद जैसे कि फॉर एग्जांपल ये यही एक नंबर है मेरे पास, चलिए मैं आपको इस नंबर को दिखा देता हूं। अब जैसा कि दोस्तों आप यहां गौर से देखें, जब आपकी कॉलिंग स्क्रीन यानी कि किसी नंबर को आप इस तरह से यहां रखोगे अपने फोन की स्क्रीन पे, अब अगर आप अपने फोन को अपने कान के पास लेके जाते हो तो इस नंबर जो जिसका भी ये नंबर है यहां पर आपका आपकी जो कॉल है इस नंबर पर ऑटोमेटिक लग जाएगी। आपको किसी भी प्रकार के कोई भी एक्शन की करने की जरूरत नहीं है, आपकी स्क्रीन आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिक इस फीचर्स को इनेबल करने के बाद लग जाएगी अगर आप उस कंडीशन में अपने फोन की स्क्रीन पर किसी नंबर को यहां इस तरह से रखते हो। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं यहां हम सेकंड ऑप्शन की। तो सेकंड ऑप्शन में ऑटो आंसर व्हेन नियर द ईयर। दोस्तों, अगर आप इस फंक्शन को यहां से इनेबल कर देते हैं तो इनेबल करने के बाद अगर आपके पास जब किसी की कॉल आती है, यानी कि आपको फ़ोन पे जब आपको किसी की कॉल आती है तो आप जब अपने फ़ोन को जो है कान के पास लेके जाते हो तो आपकी जो कॉल है वो ऑटोमेटिक रिसीव हो जाएगी। आपको इस कॉल रिसीव करने के लिए भी किसी प्रकार के एक्शन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ हम थर्ड ऑप्शन की। तो यहाँ पर ये मोड स्विचिंग ड्यूरिंग कॉल्स, इसमें क्या होता है कि ऑटोमेटिकली स्विच ऑडियो फ्रॉम स्पीकर टू रिसीव व्हेन द फोन इज हेल्ड नियर योर ईयर। दोस्तों, इसमें कभी कभी क्या होता है कि जैसे सपोज करिए कि हमारे पास हम किसी से कॉल पर बात कर रहे हैं और बात करने के दौरान हमने अपने फ़ोन को जो है वो स्पीकर मोड पर डाल दिया। अब दोस्तों हम चाहते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो स्पीकर मोड से ऑटोमेटिक हमारा हट जाए, तो जब भी जैसे कि सपोज करिए जब हमारा फ़ोन जो है स्पीकर मोड पर है और जब हम उसे अपने कान के पास लेके जाते हैं तो हमारा जो स्पीकर मोड है वो ऑटोमेटिक डिसेबल हो जाएगा और हमारा फ़ोन का जो हम जो बात करोगे हमारी जो बात होंगी फिर हमारी वो इस वाले स्पीकर से बात होने लग जाएंगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ चौथी ट्रिक्स के बारे में। तो यहाँ है फ्लिप टू म्यूट इनकमिंग कॉल्स। दोस्तों, यहाँ इस ऑप्शन को अगर आप यूज़ करते हैं तो इसे यूज़ करने के बाद होगा क्या कि जब भी आपके फ़ोन पर कोई भी कॉल रिसीव होगी तो यहाँ आप इस तरह से अपने फ़ोन को जो है फ्लिप करते हैं तो आपकी जो इनकमिंग कॉल है वो म्यूट हो जाएगी और इसकी जो बेल है वो आना बंद हो जाएगी। तो दोस्तों, इस तरह से आप जो है स्मार्ट कॉल के फंक्शन को यूज़ करके अपने कॉलिंग एक्सपीरियंस को और भी ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं और काफ़ी अच्छे से अपने फ़ोन को यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।